आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, जो जन्मा है वो मरेगा, सभी काल के घेरे में है। और जब उस काल की सवारी होगी तो जितने भाई बंध कुटुंब कबीला धन दौलत और माल खजाना सब यहीं कहीं ही धरा रह जाएगा। और जब वो आएगा तो इस गढ़ का, इस मकान का कोई भी टूट फूट भी नहीं होगा और वो इसमें से लेकर के चला जाएगा। इसलिए होशियारी की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और इसीलिए कबीर कहते हैं अरे सब जग सूता नींद भरी और मुहे नया वे नींद, अरे काल खड़ा है बार में जो तोरण आया बिंद। ए जी कबीर क्या फिल क्या फिरे और क्यों सोया घनघोर, अरे तेरे सिराने जम खड़ा जू अंधियारे चोर। तो आस पास जोधा खड़े और सबे बजावे गाल, अरे मंज महल से ले चला और ऐसा अपर बड़काल। एदी काल खड़ा सिर ऊपरे न जागो बिराने जी, अरे जाका घर है गेल में तू क्यों सोवे नची। तो इसलिए जागने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है। इसीलिए कभी कहते हैं यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, अरे चोर जब वो चोर आएगा तो उसके ऊपर, उसके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं है, परंतु वो पकड़ करके ले जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं अरे ती तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, ती तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, अरे आवत जावत कहूं न दिखे, आवत जावत कहूं नहीं दिखे, घर में राज मचावे जाओ यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, व्रत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे
वो पकड़ करके ले जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, अरे नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े ना वो रूप दिखाएगा, नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा। है इस नगरी से कोई काम नहीं है, इस नगरी से कोई काम नहीं, तुझे पकड़ ले ले जाएगा। भाई बंद और कुटुंब कबीला सब देखते ही रह जाएंगे और फिर उसकी खोज यदि करें तो भी उसकी खोजना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा, भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। कबीर कहते हैं, अरे धन दौलत और मालिक खजाना सभी त्याग तू जाएगा, धन दौलत मालिक खजाना सभी त्याग तू जाएगा। कहते हैं कि तू मुट्ठी बांध करके आया है और तेरे हाथ खाली चले जाएंगे और हाथ पसार करके चला जाएगा, परंतु ये तभी है कि हम कुछ अच्छी करनी करें और करने का ही फल मिलना है। इसीलिए इसे इस तरह से भी कहते हैं, अरे मुट्ठी बांध कर